लाओ मुझे दो। वो शेक लूजर कहीं के, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अच्छे अकेले खेलने वाले, तुम्हें पता है मैं असली गेम में टीम के साथ खेलता हूँ फाइटर, पर यहाँ कम ऑन। शेक लूजर कहीं के, शेक लूजर कहीं के। वाओ, ये स्कारा तो असली जैसा ही है। हाँ, वो तुमसे नफरत करता है शेक। बहुत अच्छे प्रोफेसर सर, ये चीज तो कमाल है। थैंक्स कैप्टन रास्ता। सिमुलेशन खत्म हो रहा है, 3, 2, 1। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, हम कुछ नहीं देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। मजा आ गया। वाओ, वो कमाल है। ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे ख्याल से मैं अब कह सकता हूँ कि हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। इससे तो अच्छा होता हम असली बारिश में खेलते कोच, इस हेलमेट ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। प्रोफेसर, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। वाओ, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा शेक। मेरा सिम्युलेटर सुपर लीग हिस्ट्री के किसी भी प्लेयर को सिम्युलेट कर सकता है। तो आपके पास सबसे अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं? बस मुझे जरा पैरामीटर्स एडजस्ट करने हैं, स्किल लिमिट बढ़ानी है और एलरियाटे आसमान का बादशाह। वाह क्या बात है, वो लोग तो बॉल को जमीन पर लगने ही नहीं देते थे। एडविन सांबर स्किल्स का राजा, आज तक बॉल पर एडविन जितना काबू कोई नहीं कर पाया। स्पाइक डॉसन गोलकीपर्स की आफत, उन्हें यूं ही ऑसम डॉसन नहीं कहते थे। और आखिर में हमारे प्यारे, हमारे अपने टेक्निकल जीनियस कोच। पर एक स्टाइल जीनियस नहीं, जरा उनके बाल देखो। उस जमाने में ऐसे बालों का फैशन था। क्या मतलब उस जमाने में? ऐसा करने का सोचना भी नहीं शेख। मैंने सब कुछ प्लान किया है और मैं अपने शेड्यूल को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम सबसे कल मिलूंगा असली वाली ट्रेनिंग के लिए। आज तो मजा आ गया। अच्छी प्रैक्टिस थी दोस्तों। सही कहा। ध्यान से सुनो बॉयज, 2 दिन बाद अगर ऐसा ही खेलोगे तो इनविंसिबल यूनाइटेड की हार तो पक्की है, पर सेमीफाइनल की तैयारी के लिए तुम्हें बस एक और काम करना होगा। रिलैक्स, कल तुम्हारी छुट्टी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। और हाँ, ध्यान रहे, गेम से पहले बस आराम ही करना। चलता हूं दोस्तों, कल मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो डिंगान? तुम्हारे साथ जासूसी, ऐसे में कुछ खाना तो बनता ही है उसका। सेमीफाइनल से 2 दिन पहले नहीं बेवकूफ।
हाँ तो वो सुपर स्ट्राइकर्स क्या कर रहे हैं? पता नहीं विंस, प्रैक्टिस या फिर टाइम पास, मुझे क्या पता लगाना है। ऐसा कुछ भी जो सेमीफाइनल में हमारे लिए फायदेमंद हो। मैच भले ही दो दिन बाद है लेकिन कंपटीशन शुरू हो चुका है। वो है क्या? फोर चीज़न्स फ्लेवर। चमकते बालों का असली राज है हॉर्स शैम्पू। यार मैं चाहे जो भी करूं मेरे बाल ऐसे ही रहते। तुम्हें बदबू आ रही है क्या? ओ फाइटर, तुम्हें पता है ना प्रैक्टिस के बाद अपने मोजे बदल लिया करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मोजे बस एक ही बार पहनता हूँ फिर उन्हें इंटरनेट पर बेच देता हूँ। हे शेक, तुम मेरे घर पर नया पैडल पावर गेम खेलने चलोगे? उसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। वाओ, पर फिर कभी थैंक्स। सॉरी स्कारा, हमारे सामने तुम्हारी गंदी डकार से भी बड़ी प्रॉब्लम है। शेक के दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम्हें ये कैसे पता स्कारा? कोई बहुत खास चीज ही उसे एक नए वीडियो गेम से दूर रख सकती है। हे, मेरे चिप्स! नहीं होता कि मैं सच में आप सबका सामना करने वाला हूं। बस एक गेम, कोच ने आराम करने के लिए कहा है। ठीक है लेजेंड्स, देखते हैं आप सब में वाकई कोई बात थी या नहीं। हाय, ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप फुटबॉल अपनी बातों से ज्यादा अच्छा खेलते होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स को नुकसान पहुंचाना है, अपनी इज्जत को नहीं। वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग। ओह वाओ, शेक का सामना लेजेंड्स की पूरी टीम से। अच्छा है मैं स्नैक्स ले आया। वो मुझे दो। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना खराब है? ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। हाँ, यार प्रोफेसर ने आप सबके बारे में बिल्कुल सही कहा था, पर अब मुझे अपने असली दुनिया में वापस जाना। हाँ?
पेट का ख्याल रखो ब्लॉक। धूप से तुम बीमार हो जाओगे फाइटर। कोच, मुझे पता है आप नहीं चाहते हमें गेम से पहले कुछ भी हो, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सावधानी में ही समझदारी है टाइगर। हेलो कोच, आप अभी मेरी लैब में आ जाइए इसी वक्त। इसकी बदबू है। hey, मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो मोजे भी नहीं पहने हैं। ये बदबू है बदमाशी की, किसी ने मेरी मशीन खराब कर दी और शेक को भी। क्या प्रोफेसर, उसे वहाँ से बाहर निकाल? नहीं निकाल सकता, सोडा ने कंसोल खराब कर दिया। हम उसे वहाँ से खींच नहीं सकते? नहीं, अगर हमने अभी उसे सिमुलेशन से बाहर खींचा तो उसका दिमाग, यूँ समझ लो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। शेक वहाँ से बाहर तभी आ पाएगा जब वो वहाँ जीतेगा। नहीं होता, यहां से निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कोई मेरी मदद करो। शेख उन लेजेंड्स को अकेले कभी नहीं हरा पाएगा। हो क्या? अगर तुम नहीं जीत पाए तो हमेशा के लिए वहां फंस जाओगे। हमें ये खतरा उठाना ही होगा। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। हाँ सही कहा। हाँ हाँ दोस्त, बिल्कुल। देख लिया ना सब अकेले ही करने का नतीजा शेख। तुम सब मेरे लिए आए, पर इसका मतलब तुम सब भी यहाँ फंस गए हो ना? कोई कहीं नहीं फंसने वाला शेख। हे, तो फिर ये क्या है? हमें बस उन लेजेंड्स को हराना है और हम आजाद हो जाएंगे। वैसे भी दोस्त, हम एक टीम हैं। हम जीतेंगे एक साथ और हम हारेंगे एक साथ। हाँ, और हम हमेशा के लिए वर्चुअल रियलिटी में फंस जाएंगे एक साथ। वैसे तो मुझे सिर्फ गेम देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। हाँ कर सकते हो, जरा मुझे वो स्क्रू ड्राइवर दो प्लीज। हाँ से सुनो बॉयज, ताकत एकता हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। लेजेंड्स, अब मिलिए फ्यूचर लेजेंड्स से। लेजेंड हूं, पर वो चारों तो लेजेंड्स हैं। इस सिमुलेटर का मुझसे क्या दुश्मनी है? उन्हें अंदर गए घंटों हो गए, शेख बुरी तरह से फंसा होगा।
नमस्कार। क्या तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के बारे में कुछ पता चला? आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या किया विंस। अब तो सेमीफाइनल को जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। अभी रखता हूँ। फ्यू, माना कि तुम अच्छाई से कोसो दूर हो स्कारा, पर इस बार तो तुमने हद ही कर दी। हाँ, तो जब हम जीतेंगे तब हमारी हद देख लेना। अब मेरी कार से बाहर निकलो। क्या? हे, चाबी वापस करो। अच्छा ठीक है। स्कारा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चिप्स खा लिए। कोई भी मेरी टीम की तैयारी बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, 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 मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई बचाओ। ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत। जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर इनकी बातें सच में सरदर्द बन रही हैं? तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी बात से एक आइडिया आया है। ये प्लेयर्स के सिमुलेशंस हैं। वो सब अच्छे हैं पर वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं। सॉरी कोच, आपने ही सामने वाले की हर चाल याद रखना सिखाया था। ये वाला मैंने आपसे सीखा था और ये मूव मेरा अपना है। बॉल नीचे रखना। चलो, चलो। कोच, मुझे खुद से नफरत है। अच्छा था दोस्तों, बहुत अच्छा। बस कुछ ही गेम्स में हम उन्हें हरा देंगे। एक्चुअली ये सिमुलेशन अब काबू से बाहर हो गया है। अगर तुम अगले गेम में नहीं जीते तो तुम शिफ्ट डिलीट हो जाओगे, रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलोगे, गायब, खत्म, मिट जाओगे। मेरे ख्याल से वो समझ गए। गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करें? प्लेयर के सामने प्लेयर, वो लेजेंड्स हमसे बेहतर हैं। ओह, अच्छी स्पीच थी कैप्टन। पर एक बात बताओ, उन्होंने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी है? सबने अलग पहनी है। हाँ, क्योंकि वो एक टीम नहीं है। पर अगर हम एक होकर खेलें तो उन्हें हरा सकते हैं, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। दिल भर आया। अब हमारी बारी, हमें ये अभी खत्म करना होगा वरना समझो खेल खत्म। ये क्या हो रहा है?
ए फाइटर मुझे दो। तो ये लो शेक। शूट शूट। अरे किक करो यार। सीधे स्ट्राइकर लैंड से सुपर लीग सेमीफाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड आ गए हैं। पर अजीब बात है, होम टीम अब तक आई नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोच तो वक्के पक्के हैं ब्रेंडा। ये तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। वैसे तुम्हारे लिए ये नहीं कह सकता। स्कारा आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स आ गए हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। क्या बात है, लोकल राइवल्स और सुपर लीग जायंट्स आज होंगे आमने सामने। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा मैच? मुझे नहीं पता ब्रेंडा, पर नतीजा जो भी हो ये मुकाबला तो सच में यादगार।